बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे सारे भैन भरा? मैं उम्मीद कर रही सारे मेरे भैन भाई ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र अस भी ठीक हाँ। तो शाम के मतलब 6 का टाइम हो चुका, जैन के पापा थोड़ी देर देर ना लाए, मैं शाम का खाना बनाने लगी हैं। शाम के खाने बना रही हैं सब्जी बना रही हैं। जैन के पापा लैके आए, हमें छापर नहीं खोलिया कि सब्जी लैके आए, वो भी मैं अपने भैन भैया दिखानी है। खाना बनानी वो भी शेयर कर दी, लेकिन उससे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ। मैंने एक कमेंट किया जुल्फ़ नैन वास्ते कि जुल्फ़ नैन माशाल्लाह बहुत क्यूट है, और वाकई बहुत क्यूट है, इतना शरारती है। मैं लिपस्टिक लगावा तो शोर पाएगा कि मेरे ऊँटा में लिपस्टिक लगाओ, जी मैं क्रीम लावा ता करके मतलब एक शोर पाएगा। बहुत शरारती माशाल्लाह, पूरा दिन मेरा ये हंसदा खेलता गुजर जाता, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरे भैन भाई मैंने कमेंट भी जरूर दस्या कर, और वाकई मेरी हौसला अफजाई होंगी है। मैं खुश हूँ कि मेरे भैन भी मैंने कमेंट भी कर दे, कोशिश कर कि साडा निधा फैमिली ब्लॉग जो चैनल है उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा जो मेरे भैन भरा नए ने ज़्यादा तो ज़्यादा सबसक्राइब कर, ताकि सबसक्राइब करने कुछ नहीं जाता, लेकिन साडा भला हो जाएगा। साढ़े ये मेरे भैन भैया छोटी जी रिक्वेस्ट है, तो मेरे भैन भैया बहुत बहुत मेहरबानी है कि साडा साथ दे रहे हैं। जो तो मेरे भैन भैया इन्ना सारा साडा साथ दिता तो अभी इस मंजिल तक पहुँचे हैं, तो मजीद मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती कि मेरे भैन भाई अगे भी साडा बहुत ज़्यादा साथ देंगे, क्यों मैं बहुत मेहनत करती हाँ। तो मैं जो मतलब वीडियो बनानी हाँ तो मेरा दिल हों, मैं दिल नाल वीडियो बनानी हाँ कि मेरे भैन भाई देखन, मेरी वीडियो पसंद कर, और मेरे थले कमेंट कर, लाइक भी कर देने मेरे भैन भाई, नाल मेरे भैन भाई मैंने कमेंट भी करो। मेरी बार बार रिक्वेस्ट है सब्जी कहीं लैके आए हैं, तो मैं अभी तक छापरे नहीं खोलिया। वाओ जी शिमला मिर्च लैके आए हैं, लेकिन शिमला मिर्च मैं खानी जदों तो बनती तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं जो खानी हाँ थोड़ी तकलीफ होंगी। मैं कोशिश करती नहीं कि रात में रात के टाइम तो शिमला मिर्च खाती नहीं, बहुत कम पकानी है। जो मतलब मैं वीडियो बना लगी अभी पहली मरतबा शिमला मिर्च बना रही हूँ, क्यों दूसरे नू, मेरी निधा बेटी नू, अलीजा बेटी नू बहुत ज़्यादा पसंद है शिमला मिर्च, जैन के पापा ने भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैन पसंद नहीं, जैन नू कोई मतलब अंडा वगैरह बना दूँगी, क्यों मेरे बच्चे बहुत सारे मतलब कोई सब्जियाँ वगैरह इस तरह वा कि बहुत कम खाते हैं, इन्नी ज़्यादा नहीं मतलब खाते। आज मेरी पसंद की डिश बन रही है। हाँ जी ज़्यादा तू भी खानी, जैन के खाना है, जैन वास्ते ना बना लेंगे। और लीजा ने, लीजा तो ये खाती शौक ना, लीजा आप खाओगी शिमला मिर्च? हाँ लीजा शौक ना खाती, लीजा और आप दोनों शिमला मिर्च खाओगे, और जैन जो है वो मतलब के अंडा खा लेगा, कोई गल नहीं। जैन परेशान हो गए थे क्या पक रहे? कोई बात नहीं बेटे, परेशान होने वाली कौन सी बात है, मुझे अच्छी नहीं लगती ना। आपको अच्छी नहीं लगती, पापा को तो अच्छी लगती है, इस साइड पे आके बैठो मेरे साथ। लगता है ऐसे ना कि जैसे मिर्च हो बड़ी बड़ी है ना। क्या हुआ? मैं कहा ऐसे शिमला मिर्च ऐसे लगती है जैसे मिर्च हो। हाँ ये तो है, मुझे मिर्च लगती है इसलिए मैं खाता। इसमें कौन सी मिर्ची होती है? ये तो शिमला मिर्च है, इसमें तो मिर्ची होती नहीं, खाई है नहीं। बहुत मजे का सालन बनता है ऐसे देखने से, मिर्ची लगती है, मिर्च भी होती है ना। इसके इसके अंदर जो है ना दही में बने और कीमा डले और कितने मजे का मैं बनाती हूँ। आप तो खाते नहीं ना, खा के चेक किया करो ना, आप तो एकन वाला भी नहीं लगाते, चेक करोगे फिर आपको पता चलेगा जी कैसी बनी कैसी नहीं। आप खाया था स्कूल में उल्टियाँ आने लगी थी। हाँ हाँ ऐसे हुआ था, जैन ने एक मतलब कही थी वाकई स्कूल उल्टियाँ आने लगी थी, क्यों ये पसंद नहीं करता ना। हाँ जी क्या हुआ, आ गए हो? लड़ाई कर ली आपने रीजा के साथ? जीजा के साथ लड़ाई कर ली आपने? बुरी बात, बुरी बात आपकी बहन है बेटे। रीजा चीज मांग रहा था उसके बाद थी नहीं, फिर भी मारी जा रहा था। बेटा बात में आ गई पढ़ के, इन्होंने मेरे पढ़िया ट्यूशन पढ़िया पढ़ के, हम कहते कि मामा तेरे हेल्प करवावा, तो मैं कहा चलो ठीक हो गया, वैसे भी शाम हो रही है, तो मैं कहा चलो तुम मैं आलू छिल दो, अन्नी तो आलू छिलवा रही हूँ, मैं शिमला मिर्च कट रही हूँ। हाँ मैं नीदा कितने आलू रह गए? अभी तो पहले। अच्छा तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, आप तो ऐसे बैठे जैसे कल सब्जी पकानी है। कल बनानी है? आज ही बनानी। अच्छा तो जिस तरह आप आलू काट रहे हो इस तरह तो फिर ही बनेगी। लो जी सब्जियां मैं काट ली हैं, सब्जी काट ली है शिमला मिर्च आलू प्याज और टमाटर, धनिया मैं आज ही बाद में काट लांगी। चूल्हा चला रहे हैं, चूल्हा ला ली। माँ आप धनिया इनमें डालती हो ना जब हांडी उतार लेती हो? हाँ जी जब आप हांडी उतार लेते हो फिर धनिया डालती हो? हाँ धनिया फिर डालना पड़ता है।
टमाटर मैं ऐड कर दिए थोड़ा जिन्ना मैं लहसुन अदरक का पेस्ट पा दूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी खत्म होने वाला है। हाँ फिर बना लेंगे अभी पड़ा हुआ है, अभी पड़ा हुआ है फिर बना लेंगे। थोड़ा सा डालूंगी इतना ज़्यादा नहीं डालते। तो मैं हम ये ऐड कर दिनी हूँ रेड मिर्च और लो जी नमक पा नमक भी ऐड करता मिर्च और हल्दी भी ऐड करती शिमला मिर्च दे के मुझे भूख लगने लगी है। सच में हाँ जी हाँ तो मैं समझ गया माशाल्लाह। लो जी बस खुश्क धनिया भी चलो रोटी में बात नहीं रही हो गया हम सालन तैयार कर लो ना तो पराठे नाल में रोटी बना लेंगे। अच्छे तरीके नाल मसाला वगैरह भुज गया हूँ मैं ये आलू ऐड कर दिनी हूँ थोड़ी देर में मिक्स कर दी हूँ। लाल में थोड़ा जो धनिया पत्ती लेनी खड़ी खड़ी मम्मा आपने इस जी मेरा अभी जाना है गाँव। हाँ जाऊंगी बेटे जाऊंगी दुआ करो ना मैं जावा तो जो बंद करवानी ना बस मेरे घर दो बंद रह गए अल्लाह सोना मेरी शफा दे दे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ अल्लाह करे। धनिया भी मैं बरीक बरीक कट लिया हम साग भी देख लेनी मसाला आलू थोड़े जो प्रयाम हो गए तैयार हूँ ये शिमला मिर्च ऐड कर देने आलू कहते इस बाद शिमला मिर्च ऐसे ही तैयार हो जाते हैं हम भी तो नरम जी मसाला हाँ जी अच्छे तरीके भुन के और मैं हल्की अग करके उपर ढक्कन दे के जा चलेगी रोटी बना रोटी बना के मैं लैंती हूँ मैं जी रोटी बना रही है माशाल्लाह गर्मी बहुत ज्यादा पसीना आ गया रोटी बना के मैं डब्बे च बंद कर चुकी हैं जिस टाइम जिन्हों जिन्हों भूख होएगी खा लेंगे कि जैन के पापा भी जरा देर ना ही आते हैं बहुत गर्मी है मेरा मुंह का हाल देखो की हो गया मेरे चेहरे का हाल गर्मी के नाल पसीना आ के कभी टाइम ना सब्जी ले आऊं फिर मैं टाइम ना ही बना लेनी है टेंशन नहीं होती। आज बाबा कुछ ज्यादा ही लेट आए थे है ना। हाँ जी आज फिर बहुत लेट आए कभी कभी आते हैं चलो कोई गल नहीं हो ही जाता इन मैं हल्की आँच करके हल्की आँच करके रखा जरा हल्की आँच के आलू और शिमला मिर्च बहुत मजे की बनती तो यह पक जाने जरा अच्छे तरीके मैं जरा पक्खी की हवा लेना। लो जी बजुर्गों ने आंदे मत्थे च पोड़ा निकलिया सी ओदे चोट लग गई ओदे ब्लड निकल लग गया वो मैं फिर आंटी विच छोड़ के बजुर्गों ने आना जरा हो गई बजुर्गों ने उठाया उन्हें चुप चाप कराया कबोर रोया सी हुण मैं सालन देख लवा सालन माशाल्लाह बहुत बेहतरीन बन गया खुशबू भी अच्छी आ रही है खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ जी हुण मैं धनिया ऐड कर दिनी धनिया ऐड कर दिता वा आपने सही कहा था कल बारिश हुई थी ना तो वो कीड़े से आएंगे आ भी गए ना अरे वो ना सिलाई के लोग जो है ना पता की कहने कबूटे तो अपने मतलब जो पंजाबी लोग ने वो मतलब कहते कीड़े या मतलब भब्बू वगैरह निकल आते इस करके देखो सालन बिलकुल रेडी हो चुका है मम्मा जी सालन देख लो मैं बिलकुल रेडी हो चुका है देखो जी माशाल्लाह कैसा बने बहुत मजेदार अच्छा बन गया ना तेरे पसंद आ जाए तेन अच्छा लगने लगना थोड़ी देर थोड़ा टेस्ट करके लो जी हाँ जी अच्छे तरीके नाल भुन भी नहीं मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है हूँ मैं उपर दी ढक्कन चूल्हा कर दी बंद सालन का बिल्कुल रेडी हो चुका जो मैं अज की रेसिपी बनाई है अगर मेरे भैन भाइयों को पसंद आवे अच्छी लगी लाइक करो शेयर करो कमेंट में सानू जरूर दस्यो ते गर्मी ने बहुत बुरा हाल असां दे इजाजत अल्लाह हाफिज़।